हेलो एंड व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको GB व्हाट्सअप कैसे अपडेट करना है। तो आप देख पा रहे हो कि GB व्हाट्सअप इज़ आउट ऑफ डेट, नोटिफिकेशन भी हमारे पास आ गया है। और आज आपको यही बताने वाला हूँ कि ऐसे कैसे आप इसे जो है अपडेट कर सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स जब हमारा जो GB व्हाट्सअप पर अपडेट आ जाता है तो ये दोस्तों चल नहीं पाता है। मतलब कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस शो होता है और जब तक आप इसे अपडेट नहीं करते हो तो आपका जो GB व्हाट्सएप है वो ओपन नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप कैसे इसे अपडेट कर सकते हो। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वॉच कर लेना। और दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट और चलते हैं अब अपनी जो सोल्यूशन है उसकी तरफ। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, GB व्हाट्सअप नॉर्मली ओपन कर लेना है। और आप जैसे इसे ओपन करेंगे तो दोस्तों आपके सामने वर्जन वगैरह सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। और आपको क्या करना है, डाउनलोड वाले ऑप्शन पर नॉर्मली क्लिक कर देना। आप जैसे ही डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा क्रोम पे। तो दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मेरी ये होगी कि अपडेट के बाद हमें जो लेटेस्ट फीचर है वो इसमें क्या देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद जल्द ही मैं वो वीडियो लाने की कोशिश करूँगा जिसमें आपको इसके फीचर्स के बारे में मैं बात करूँगा। ठीक है, तो आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड आपको दिखेगा डाउनलोड GB व्हाट्सएप प्रो V14.00 लेटेस्ट वर्जन फॉर एंड्रॉइड। तो दोस्तों, साइज है 50 MB का, 50 MB में जो है अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख रहा है कि यहाँ पर दो ऑप्शन आपको देखने को मिल रहे हैं, डायरेक्ट डाउनलोड और मिरर डाउनलोड। तो दोस्तों, यहाँ पर डायरेक्ट डाउनलोड बटन माइट नॉट वर्क ऑन सम मोबाइल डिवाइस। तो दोस्तों, इस टाइम जो डायरेक्ट डाउनलोड वाला बटन है वो काम नहीं कर रहा है किसी मोबाइल में। मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ, तो यहाँ से अभी कुछ भी नहीं हुआ है। तो हमें क्या करना है, मिरर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। और आप जैसे ही मिरर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों आपके सामने GB व्हाट्सअप प्रो V14 वही वाला वर्जन यहाँ पर आ गया है, 49.88 MB का है। और आपको नॉर्मली इस पर क्लिक करना है डाउनलोड वाले ऑप्शन पर। आप जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो जो हमारा डाउनलोडिंग है वो शुरू होने गया है और आपको उस पर ओके कर देना है। डिटेल पर क्लिक करना है तो आपको जो GB व्हाट्सअप है वो अपडेट होता हुआ, सॉरी डाउनलोड होता हुआ यहाँ पर दिख जाएगा। और जब ये डाउनलोड हो जाएगा तो दोस्तों आपको नॉर्मली इसे इंस्टॉल कर लेना है और आपका जो GB व्हाट्सअप है वो अपडेट हो जाएगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट कर लेते हैं इसे अपडेट होने तक का। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, मैं वीडियो को यहाँ पर पाउज कर दूंगा जब तक हमारा ये GB व्हाट्सअप जो है अपडेट हो रहा है, 50 MB का है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर मैं इसे ओपन रखूँगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। उसके बाद जैसे ही अपडेट होता है मैं इसका आगे का प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताता हूँ। तो दोस्तों, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरी फ्यूचर में भी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। और दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि नेक्स्ट वीडियो आने वाली है कि GB व्हाट्सअप के अपडेट के बाद इसमें क्या कुछ लेटेस्ट वर्जन देखने को मिले, तो उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो अब मैं इस वीडियो को पॉज कर रहा हूं और जैसे ही ये पूरी तरह से डाउनलोड हो जाता है उसके बाद मैं आपको इसका आगे का प्रोसेस बताने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो GB व्हाट्सअप है जो हमने अपडेट किया था वो पूरी तरह से डाउनलोड हो गया है। अब इस पर क्लिक करके हम इसे जो है इंस्टॉल कर लेते हैं। तो दोस्तों, आपको भी इंस्टॉल कर लेना है, यहाँ पर थोड़ी सी इंस्टॉलिंग होगी, उसके बाद जो आपका GB व्हाट्सअप है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बस थोड़ा सा वेट करना है जब तक इंस्टॉलिंग हो रही है, बस 1 या 2 मिनट का समय भी नहीं लगता है यहाँ पर। उससे पहले जो हमारी इंस्टॉलिंग वगैरह है वो कंप्लीट हो जाती है और अब थोड़ा स्कैनिंग हो रही है, उसके बाद हमें ओपन का ऑप्शन नीचे देखने को मिल गया है। और हम जैसे ही ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो दोस्तों, पहले हमारा जो GB व्हाट्सअप था वो ओपन नहीं हो रहा था, लेकिन अब जो हमारा GB व्हाट्सअप है वो ओपन हो गया है। और दोस्तों, इसमें जो आप देख पा रहे हो कि इसमें बेस अपडेट है जो अपडेट हुआ है, उसमें कुछ लेटेस्ट फीचर ऐड किए गए हैं, आपको दिख रहा होगा। तो इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा अगर आप कहते हो तो। दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ भाई, हमें फीचर्स के ऊपर वीडियो चाहिए। ठीक है, तो जो भी लेटेस्ट फीचर अब हमें इस अपडेट के बाद मिले हैं मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। कमेंट कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।